नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद जिले के सुखाबाद में श्री ख्याली राम जन कल्याण मेमोरियल शिक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी महिला विरोधी धरना प्रदर्शन एवं आरक्षण को लेकर मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रीति शर्मा द्वारा कहा गया कि 4 अप्रैल 2016 से लेकर कई बार जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया, सुखाबाद से दिल्ली पैदल यात्रा की, लखनऊ लक्ष्मण मेला मैदान में भी भूख हड़ताल पर बैठे। इसके अलावा हाल ही में सुखाबाद से अमेठी तक पैदल यात्रा की, जिसमें प्रधानमंत्री के आवास का भी घेरा शामिल है, लेकिन अभी तक महिलाओं का आरक्षण लागू नहीं किया गया। फिरोजाबाद जनपद के सुखाबाद में श्री ख्याली राम जन कल्याण मेमोरियल शिक्षा सेवा समिति की अध्यक्ष प्रीति मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महिलाओं के 50% आरक्षण को लेकर वह 4 अप्रैल 2016 से लेकर कई बार जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया, सुखाबाद से दिल्ली पैदल यात्रा की, उन्होंने लखनऊ लक्ष्मण मेला में भूख हड़ताल पर बैठी तथा हाल ही में सुखाबाद से अमेठी तक पैदल यात्रा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आवास का भी घेराव किया, दिल्ली में हावड़ा राजधानी को भी रोका गया। प्रीति मिश्रा द्वारा कहा कि मुझे बड़ा दर्द है कि भारत सरकार ने आज तक मेरे इस आरक्षण को लेकर एकमात्र पत्र दिया है। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। प्रदर्शन जी, हमारा महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन है और ये हम काफी 6 साल से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमने दिल्ली में भी पैदल यात्रा की, लखनऊ भी की और अभी हम अमेठी करके आए हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 75 सालों से जो देश की आजादी के बाद जो पेंडिंग पड़ा है बिल, उसको ये लोग पास करें। अगर ये पास नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव नहीं हो सकता। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हम इस चुनाव का विद्रोह करें, क्योंकि बीजेपी पार्टी की ये एक पुरानी आदत रही है कि जैसे उन्होंने हाथरस कांड देखा, उन्नाव का कांड देखा, उसके बाद ही इनको सुनवाई आती है। तो अगर इनको यही पसंद है तो इस बार हम रोड जाम करेंगे। मैं जानती हूँ आचार संहिता लगी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और हम इस बार उनको कोई भी चांस नहीं देना चाहते। इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उन जो सुर्खियां चल रही हैं, उन सुर्खियों में हमारी आवाज भी उठनी चाहिए। ये लोग हमारी आवाज दबाते रहे हैं और दबाते रहेंगे। जब ये 3 तलाक बिल पास कर सकते हैं तो हमारा आरक्षण क्यों नहीं पास करते? महिलाओं के ऊपर इतनी गंदी पॉलिटिक्स ये करते हैं। अगर आज इन्होंने सुनवाई नहीं की तो मुझे ये लगता है कि आगे ये इस बात को, हमारी बात को सुनेंगे। कितने दिन का प्रदर्शन है आपका? धरना प्रदर्शन जी, धरना प्रदर्शन कितने दिन का आया हुआ? धरना प्रदर्शन हमारा 20 तारीख को होगा। 20 तारीख को रोड जाम करेंगे। 20, 21, 22, 23 जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। चाहे हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराएं या पानी की बारिश कराएं या हमें आग लगवा दें, मरवा दें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी आवाज इस बार केंद्र सरकार तक पहुंचा के रहेंगे।